दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन्होंने अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी, जो खारिज हो गई है। कोर्ट के रजिस्ट्री ने केजरीवाल की अर्जी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी गई है। ऐसे में केजरीवाल की अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। सीएम केजरीवाल को अब 2 जून को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल को 10 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता से अंतरिम जमानत मिल गई थी और उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने के लिए कहा गया था। पीठ ने 17 मई को पीएमएलए मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य बेंच ने भी केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास जाने को कहा था। अरविंद केजरीवाल ने अचानक अपना वजन 6 से 7 किलोग्राम कम हो जाने के कारण कई चिकित्सक के जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने का अनुरोध किया था। केजरीवाल ने 26 मई को दायर अपनी याचिका में कहा था कि वो जेल लौटने के लिए न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई 2 जून के बजाय 9 जून को सरेंडर करना चाहते हैं। याचिका में कहा गया कि उनका वजन 6 से 7 किलोग्राम कम हो गया है और उनका कीटोन स्तर बहुत अधिक है, जो किडनी हृदय गंभीर बीमारी और यहाँ तक कि कैंसर का संभावित संकेतक है। याचिका में कहा गया कि मुख्यमंत्री को पैट सिटी स्कैन सहित कुछ मेडिकल जांच कराने की जरूरत है। पैट सिटी स्कैन शरीर के अंगों एवं ऊतकों की विस्तृत तस्वीरें ली जाती हैं। शीर्ष अदालत ने 10 मई को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल को प्रचार करने के लिए 1 जून तक यानी 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके अनुसार उन्होंने 2 जून को जेल लौटना है। केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय ने निर्देश दिया था कि केजरीवाल 2 जून को सरेंडर करेंगे। इसके एक दिन पहले 7वें एवं अंतिम चरण का मतदान होना है। ईडी ने दिल्ली के कथित शराब मामले घोटाले में केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है। ईडी ने अदालत को बताया कि आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी कथित घोटाले से जुड़े हुए थे। ईडी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं, जिसमें अन्य आप नेता और निजी व्यक्ति भी शामिल हैं।